अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कभी कभी दिल करता है कि हम कुछ चटपटा और तीखा खाएं, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी झटपट तैयार होने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे, यानी कि भेल, सूखी भेल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 कटोरी ले ली है, किसी भी कटोरी से आप मेजर कर सकते हैं। 5 कप मैंने मुरमुरे ले लिए हैं, जिसको हम लाई भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने हरे धनिया और मिर्ची की चटनी ले ली है, और यहाँ पे 1 प्याज बारीक कटा हुआ ले लिया है, 1 टमाटर जिसके मैंने बीज काट हटा के इसको भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने सौंठ की चटनी ले ली, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। यहाँ पे मैंने 1 पापड़ लिया था, लिज्जत पापड़, इसकी जगह आप कोई भी पापड़ी आती है या गोलगप्पे वो भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने सेक कर रख लिया है, फ्राई नहीं किया है। थोड़ी सी हमने बारीक वाली सेव ली है, इससे भी बारीक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं या मिक्स नमकीन का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 नींबू का रस थोड़ा सा लिया मैंने, 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही ली मैंने लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे ले लिए, हम अपनी भेल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम सूखे मसाले ऐड कर लेंगे जो हमने लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, ये डाल देंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार सी भेल तैयार होती है। आप इसको चाय के साथ या कभी भी हल्की फुल्की भूख में बनाकर खा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि चटनी में भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है, पापड़ में भी नमक होता है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा नमक का यूज़ किया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, आप चाहें तो खीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 प्याज हमने ली थी बारीक कटी हुई, वो भी डाल देंगे। 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसके हमने बीज हटा दिए हैं, ये भी डाल देंगे। हरी धनिया की चटनी, ये भी डाल देंगे। अगर आपके पास चटनी तैयार है तो ये भेल बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है। एक टेबल स्पून के करीब हमने चटनी डाल दी है। यहाँ पे मैंने सौंठ की चटनी ली है, यानी कि मीठी चटनी, ये भी डाल देंगे। अगर आप इसकी सौंठ वाली चटनी नहीं है तो आप सिंपल सी इमली को भिगोकर उसका भी रस निकाल के डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं, और ये जो मैंने सौंठ वाली चटनी बोली, यानी कि जो हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं तो उसमें सौंठ भी डालते हैं, तो मैंने ये वाली चटनी डाली है, तो मैं थोड़ी सी कम लग रही है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब ली थी, या आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये हमने पूरी डाल दी है, और हमने यहाँ पे जो पापड़ लिए थे इसको मैंने रोस्ट करके ऐसी तोड़ लिया है हाथों से, ये भी ऐड कर देंगे। ये अच्छे लगते हैं जब ये दांतों के नीचे आते हैं क्रिस्पी से। तो ये 1 पापड़ हमने लिया था, तो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी सेव ली है, आप इससे बारीक वाली भी ले सकते हैं, ये भी डाल देंगे, या मिक्स नमकीन का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे 1 नींबू का रस लिया था, ये भी डाल लेंगे इसी में, और कटा हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये झटपट से बनने वाली चीज़ें बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो देखिए हमारी भेल बनकर तैयार हो गई है, जिसको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो। देखिए हमने भेल को डिश आउट कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया। थोड़ा सा सेव। तो देखा कितना आसान था भेल बनाना, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही
चटपटा और तीखा लगता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक, और हमारे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएंगे हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दोनों में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।